अरे बाराती आ गए। दीदी दूल्हा तो घोड़ी पर नहीं हीरो पर आया है। मेरा हीरो है, हीरो पर ही आएगा। अब बारात घोड़ी पर नहीं हीरो पर आएगी। आलीशान से शादियों के कपड़ों की खरीद पर हर रोज मिल रही है 1 लाख की हीरो स्कूटर गिफ्ट। तो जोर शोर से शादी की शॉपिंग कीजिए। आपका जिससे हो मान आलीशान। टीएनसी अप्लाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में दत्तात्रेय होसपाले का सर्वसम्मति से अगले 3 वर्ष यानी 2024 से 2027 के लिए सरकार वाय के दायित्व पर निर्वाचन हुआ, जिसके चलते उन्होंने पत्र परिषद के माध्यम से कई मुद्दों पर पत्रकारों का संबोधन किया। देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, ऐसी स्थिति में संघ की चुनाव के प्रति क्या भूमिका रहेगी? इस सवाल पर जवाब देते हुए दत्तात्रेय होसपाले ने बताया कि देश में 100% चुनाव के लिए संघ स्वयंसेवक प्रयत्नशील रहे, ऐसा हमने प्रतिवेदन में बताया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय समाज हित के मुद्दों पर संघ स्वयंसेवक ने ध्यान आकर्षित करना चाहिए, किंतु संघ का राजनीतिक उपयोग ना हो अथवा संघ कार्यकर्ता राजनीतिक पार्टियों का काम ना करे, ऐसा भी उन्होंने इस वक्त कहा। तो वो भी मैंने अभी बता दिया और प्रतिवेदन में भी 3 मार्कर इसके संदर्भ में लिखा है, संघ के स्वयंसेवक 100% मतदान के लिए प्रयत्न करें, ये हमने कहा है। दूसरा, राष्ट्रीय मुद्दों के संदर्भ में समाज में एक लोकमत परिष्कार के कार्य करना है, वो हम साल भर करते हैं, सामान्यतः साल भर करते हैं, तो भी जब ऐसे अवसर आता है तो विषय चर्चा इधर उधर के जाति के बाकी विषय समाज के जो होता है, इसलिए समाज के ध्यान को देश के बारे में खींचना ये करना चाहिए, तो देश के मुद्दों को उठाएं, ये हम करना चाहते हैं। और संघ के कार्यकर्ता जो संघ के पदाधिकारी हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के काम तो नहीं करना, उसको पार्टी में ये जब कुछ सावधानी उसके ऊपर कुछ निषेध है वो हम करते हैं, लेकिन जन जागृति होनी चाहिए, इसलिए लोकमत परिष्कार के कार्य संघ करता है। साथ ही उन्होंने इस वक्त अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम राष्ट्रीयता के नजरिए से सभी को हिंदू ही मानते हैं, संविधान के अल्पसंख्यक परिपेक्ष पर पुनर्विचार होना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने इस वक्त कहा। तो वहीं जानकारी दी कि अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग संघ के स्वयंसेवक हैं, हम किसी को भी शोपीस की तरह नहीं बताना चाहते। उनके कहने का अर्थ है वैसे अल्पसंख्यक एक कॉन्सेप्ट है जो अपने देश के संविधान में है, उसके बारे में भी पुनर्विचार अपने को सबको करना चाहिए, क्योंकि ये अल्पसंख्यक कहने से देश में कुछ अलग अलग तो फिर देश किसका है, सबका है ना, तो इसलिए सभी है। लेकिन अब अल्पसंख्यक कहने के एक पद्धति या वो विचार चल पड़ा है दशकों से, इसलिए रूढ़ार्थ में जो हिंदू हैं, हिंदू कोड बिल से जो हिंदू मानते हैं वो सभी का संगठन संघ करता ही है। अल्पसंख्यक कहने पर मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय भारत में सामान्यतः उनके अल्पसंख्यक माना है, तो मैंने जैसे बताया आपके प्रश्न के उत्तर में उनके साथ भी पूजने गुरुजी गोलवालकर के समय से लेकर सभी पूजने सरसंघ चालक ने संवाद रखने का प्रयत्न किया है, और अपने संघ के कार्य में भी बहुत सारे लोग स्वयंसेवक के नाते भी इन समुदाय से हैं, हम उनको शोपीस बनाकर दिखाना नहीं चाहते, देखो हमारे पास इतने मुसलमान हैं इतने ईसाई हैं, आवश्यक नहीं है, करना भी नहीं चाहते, तो फिर इतने ये है उतने वो है ये सब करना पड़ेगा, हम सबको राष्ट्रीयता से हिंदू मानते हैं, लेकिन स्वयं को राष्ट्रीयता से हिंदू अभी नहीं मान रहे हैं अथवा रिलीजन से नहीं मान रहे हैं, ऐसे लोग डायलॉग के लिए संगीत के पास वो भी बुलाते हैं, कई ऐसे हुआ है, हम भी जाते हैं केरल में ईसाइयों के साथ हम बैठते हैं, मुसलमानों के साथ मुंबई में दिल्ली में, हर जगह पर हमारे प्रमुख कार्यकर्ता स्वयं सरसंघ चालक से लेकर कई लोग करते हैं, इसलिए उन्होंने ये दिखाया है जो मनमोहन जी वैद्य ने कहा, उन्होंने ये उत्साह दिखाए हैं उत्सुकता दिखाए हैं, हम संघ से डायलॉग करना चाहते हैं बात करना चाहते हैं, हमने हमेशा इस डायलॉग को कोई नज़दीक आता है तो हमारे दरवाजे खुले हैं, तब करते हैं, सिख और इसके नहीं है इसमें। हाँ
अल्पसंख्यक मानना नहीं चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये संविधान में माइनॉरिटी से नहीं, अब आर्टिकल 30 में रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक दोनों माइनॉरिटी कहा है, तो है ना संविधान में। इसलिए ये माइनॉरिटी के माइनॉरिटीज्म के जो पॉलिटिक्स चलता है, इसको संघ ने पहले से विरोध किया है। देश एक है, उसी प्रकार चले, ये संघ का है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।